माय डियर फ्रेंड्स, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन होता क्या? नेचुरल रिसोर्सेस आर रिसोर्सेस दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी कि वो वस्तुएं अस्तित्व में हैं जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, कोई भी उसमें उसकी भूमिका नहीं है, यानी कि प्राकृतिक रूप से। द वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल्स, कोल, फॉरेस्ट, क्रॉप्स एंड वाइल्ड लाइफ आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये सभी जो फसलें हैं, वह ठीक है कि मनुष्य इनको उगाता है, लेकिन उगाने में यानी कि ये प्रकृति प्रदत्त काम तो करना ही पड़ेगा। फॉरेस्ट पेड़ लगाता है, लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है, आप इसे फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, खनिज भी आप सोना फैक्ट्री में नहीं बना सकते, वो उसको आप खनन करना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग मिलियनर्स होते। अर्थ इज द ओनली वन यानी पृथ्वी एक अकेली वन विच लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन है, और लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू दीज रिसोर्सेस, और पृथ्वी पर भी जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर ये रिसोर्सेस संसाधन पाए जाते हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेस आर द वन फाउंड ऑन अर्थ दैट आर यूज टू मीट पीपल्स नीड एंड टू सपोर्ट लाइफ, मनुष्य के जीवन में सहायक हैं। ठीक है, विदाउट नेचुरल रिसोर्सेस ह्यूमन वुड नॉट सर्वाइव, और इनके बिना मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेस एवरी डे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप सीधे या यानी कि आप इनको आप प्रयोग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी परत। वाटर कवर्स 70%, 75% यानी कि 3/4 जल से घिरी ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इज आल्सो फाउंड अंडरग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड जल के जमीन के अंदर भी है। बीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर, द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, जल है, हवा है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि जहाँ पर जीवन संभव है, मिट्टी, पानी और हवा। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वहीं पर जीवन संभव है, एंड दीज थ्री टूगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर, और जहाँ पर ये तीनों इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये था नेचुरल रिसोर्सेस। अगले वीडियो में हम लोग जो एयर हमारा जो है, बात हुई एयर, वाटर और मिट्टी, सॉयल, तीनों की बात करेंगे द ब्रेथ ऑफ लाइफ एयर अगले वीडियो में। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आप यहां पर आप कला, संगीत, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए वीडियोज देखते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।